माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेनर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी। नई जानकारियों के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज इस नए वीडियो में हम आप सबसे श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित इस समय की कुछ और नई बड़ी जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसे कि इस समय स्काई वॉक पर क्या बड़ी अपडेट जानकारी है, स्काई वॉक कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या कुछ नया डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक बैठक हुआ जिसमें कि कुछ नई चीज़ों पर चर्चाएँ की गई, तो वो क्या थी, तो हर प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप सब पूरा देखने के साथ साथ ध्यान से पूरा सुनिएगा, साथ ही साथ और भक्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले स्काई वॉक की। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन में एक स्काई वॉक बन रहा है जिसे हम कह सकते हैं एक फ्लाईओवर। जी हाँ, 15 करोड़ की लागत से स्काई वॉक कंप्लीट हो रहा है और ऐसा जताया जा रहा है कि लगभग 70-80% काम कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी तेजी गति से इसका काम चल रहा है। वैसे कुछ नया बड़ा डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। आप सब जान रहे होंगे कि इस स्काई वॉक से जो श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए जा रहे होंगे उन्हें बहुत मदद मिलेगी, ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होगी भवन में, आने जाने का रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा, इससे आने वाले टाइम में कभी भी भगदड़ के भी कोई चांसेस नहीं रहेंगे और काफी अच्छी तरीके से नए अनुभव के साथ श्रद्धालु माँ भगवती के 3 पवित्र पावन पिंडियों के पास जाकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि क्या कुछ नया बड़ा बदलाव किया जा रहा है, क्या क्या इसके कुछ नए फीचर्स आए। सबसे पहले तो माता रानी के भवन में जो स्काई वॉक बन रहा है उसको इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे कि माता रानी के भक्त जब माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे होंगे तो माता रानी के भवन के भी दर्शन करते रहेंगे। यानी इसके साइड साइड में शीशे लगाए जा रहे हैं, कांच लगाए जा रहे हैं और पूरा वुडन का टाइप से रहने वाला है, वुडन से पूरा लकड़ी के ढांचे से पूरे तरीके से वो बनेगा जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से ये भक्तों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ हर 100 मीटर पर एक प्रतीक्षा हॉल बनाया जाएगा, यानी बड़ा सा एक हॉल रहेगा जिसमें लगभग 100-200 श्रद्धालु आराम से रुक सकते हैं। किसी प्रकार से कोई परेशानी आ गई श्रद्धालु को तो वो उसमें इंतजार कर सकते हैं, प्रतीक्षा हॉल में रुक सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको भी डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जगह जगह पर आपको LED देखने को मिलेगा जिसमें माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन होते रहेंगे। यानी जब श्रद्धालु लाइन में लगे रहेंगे माँ भगवती के दर्शन के लिए उस स्काई वॉक से जा रहे होंगे तो उन्हें माता रानी के LED में भी दर्शन होते रहेंगे जिससे वो माँ भगवती के भक्ति में मगन रहेंगे। इसके साथ साथ जो माता रानी का स्काई वॉक का काम चल रहा है और जो फ्रंट रहेगा, जो उसका फ्रंट का गेट कह सकते हैं, उस गुफा को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, एक गुफा की तरह उसको डिज़ाइन किया जाएगा जिससे कि श्रद्धालु ऐसा महसूस कर सकें कि वो एक गुफा में इंटर हो रहे हैं और उस गुफा से होते हुए माँ भगवती के 3 पवित्र पावन पिंडियों के पास पहुँच कर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार का जो है वो सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे आप गुफा से इंटर करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पर 9 देवियों की मूर्ति लगी होंगी और आपको अलग अलग ध्वनि सुनाई देगी, उनके मंत्र सुनाई देंगे, अलग अलग आप भक्ति भाव में मगन होकर माता रानी के दर्शन के पास पहुंचेंगे। साथ ही साथ अंदर की जो पूरी तैयारी होंगी, पूरी डेवलपमेंट की जा रही है, वो वुडन पे की जा रही है जिससे कि क्या होता है कि जब सर्दियों में माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं तो वो नंगे पाँव जाते हैं और उनको काफ़ी ठंड लगता था, लेकिन वुडन होने के कारण से उन्हें ठंड ज़्यादा महसूस नहीं होगा और वो सर्दियों में भी नंगे पाँव जाकर माँ भगवती के दर्शन कर पाएंगे। इस तरह के नए नए चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट में हो रहे हैं, नए नए चेंजेस किए जा रहे हैं और आप सब वीडियो में भी क्लिप्स देख रहे होंगे, एक्सक्लूसिव पिक्चर्स देख रहे होंगे स्काई वॉक का। इस तरह से जो है स्काई वॉक पूरी तरीके से बन रहा है और रेडी हो रहा है और ऑलमोस्ट ऐसा बताया जा रहा है कि सेप्टेम्बर के लास्ट वीक तक ये कम्प्लीट भी हो जाएगा और आने वाले नवरात्रों में इसका शिलान्यास भी हो जाएगा जिससे श्रद्धालु जो है उस स्काई वॉक से होते हुए जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे। इस तरह का कुछ नया अपडेट आपके लिए था स्काई वॉक से जुड़ा, तो हमने इस वीडियो में आपसे साझा किया। आने वाले टाइम में जो कुछ नई अपडेट होगी हम आपसे साझा करते रहेंगे। अब अगर बात की जाए बैठक की तो कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक अहम बैठक हुआ जिसमें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी थे। इसके साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी शामिल थे जिसमें कि कई चीज़ों पर चर्चाएँ की गई और साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा नया वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। हमने पहले ही वीडियो बनाया था और बताया था कि नया वेबसाइट
लॉन्च किया गया है श्राइन बोर्ड द्वारा, जिस पे कि अब आप जाके बुकिंग कर सकते हैं। उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अब पूरी तरीके से ऑफिशियल तौर पर उस वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही साथ बात की जाए पार्वती भवन की, तो पार्वती भवन के बारे में भी चर्चाएँ हुई हैं, जो कि भवन पे था जिसको कि तोड़ के फिर से बनाया जा रहा है, उसका रीमॉडलिंग किया जा रहा है, उसके बारे में भी बातचीत हुई। साथ ही साथ शंकराचार्य मंदिर जो कि कटरा में स्थित है, हमने आपको बताया था कि उस पर भी जो है काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, उसकी भी डेवलपमेंट की भी बात हो रही थी कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कब तक कंप्लीट होगा, ये सभी चर्चाएं चल रही थी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कही कि रोपवे की जो टिकट है उसे ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को मदद मिले। इस पर भी बातचीत होनी चाहिए और इसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे श्रद्धालु की सेफ्टी हो, जैसे श्रद्धालु की सुरक्षा देखा जाए, उस तरह से जो है वो रोपवे के टिकट को भी ऑनलाइन किया जाए। इस तरह की बातें की गई हैं। फिलहाल में अभी ये सब चीज़ें चर्चाएँ में चल रही हैं और कल की मीटिंग में बात हुई, तो हमने सोचा कि आप सबसे ये सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जो ज़रूरी है वो साझा कर दिया जाए, ताकि आपको समय समय पर हर प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित आपको मिलती रहे। वैसे आज की इस वीडियो में ये सभी प्रकार की जानकारी हमने साझा की है। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगा, और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप ट्रेन राडर को रेगुलर वे में वॉचआउट करते रहिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी।